हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट किया है और यूनिट नंबर थर्ड के भी कुछ टॉपिक्स जो थे जेंडर के वो मैंने आपको यूनिट नंबर सेकंड में ही कवर अप करवाए तो इसमें एक टॉपिक रह गया है जेंडर का वो हम यूनिट नंबर थर्ड में ही करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड यूनिट नंबर थर्ड के बहुत कम टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स रह गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सेक्चुअल डिविजन ऑफ लेबर उसके बाद कुछ जो सोशल लेवल्स है जो हमें पढ़ने हैं चाइल्ड लेबर चाइल्ड लॉस और उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ वो हम साथ करेंगे एक ही टॉपिक में और आज हम क्या सीखेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स की मीनिंग डेफिनेशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या थी ह्यूमन राइट्स क्या थे और क्यों ह्यूमन राइट्स यूएनओ को लाने पड़े और इनको यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया और इसका बैकग्राउंड क्या था वही हम आज समझेंगे तो चलिए समझते हैं हम इससे पहले कि हम ह्यूमन राइट्स को समझें कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं फर्स्ट हम मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा पहले हम इसका ऑरिजिन समझेंगे ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो थी वो क्या थी पहले हम उसको समझेंगे फिर उसके बाद हम ह्यूमन राइट्स की मीनिंग समझेंगे ठीक है तो हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूनिवर्सल मतलब होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे दुनिया में डिक्लेरेशन किसी चीज को डिक्लेयर करना बोलना किसको ह्यूमन राइट्स को यानी यहां पे किसको बोला गया यूनिवर्सली थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे दुनिया में डिक्लेयर किया गया बोला गया किसको ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन मतलब इंसान और उनके राइट्स को ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन स्पीशीज है उनके राइट्स को उनके क्या हुकूक है उनको यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया ठीक है अब ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्सली डिक्लेयर क्यों किया गया उसी क्वेश्चन को, को हम एड्रेस करेंगे द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है ये ठीक है जो इंटरनेशनली किया गया ना ही किसी मुल्क ने इंटरनेशनली किया गया Adopted, इसको एडॉप्ट किया किसने अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन कब बनी थी यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 फोर्टी फाइव अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ट्वेंटी फोर अक्टूबर ठीक है तो जब यूनाइटेड नेशंस बनी यूनाइटेड नेशंस की जो डिफरेंट आर्गन हैं, उसका एक पार्ट जो है, है डिक्लेयर किया किस को डिक्लेयर किया ह्यूमन राइट उसको यह एक डॉक्यूमेंट था इसको डिक्लेयर किसने किया ह्यूमन राइट सॉरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया वो भी देखेंगे इट एस्टेब्लिश द राइट इसमें क्या थे राइट्स यानी हुकूक किसके एंड फ्रीडम एक तो हुकूक था और फ्रीडम आजादी किसके ऑल द मेंबर्स सभी मेंबर्स किसके ह्यूमन रेस के यानी यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी उसने एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो भी ह्यूमन रेस है जो होमोसेपियनस है उनके लिए क्या डिक्लेयर किया गया राइट्स उनके और उनका फ्रीडम ठीक है सिंपल, चलिए। इट वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको एक्सेप्ट किया गया इस डॉक्यूमेंट को किसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज अ रेजोल्यूशन टू वन सेवन कब किया गया इसको ड्यूरिंग सेशन एक सेशन हुआ था दसंबर दस नाइनटीन फोर्टी एट याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल ने इस सेशन में इसको एक्सेप्ट किया यानी इस डॉक्यूमेंट को कहा यह डॉक्यूमेंट हम अडॉप्ट करते हैं आज के बाद इस डॉक्यूमेंट पे काम होगा पूरी दुनिया में काम होगा ये राइट्स जो इसमें लिखा गया है ये हुकूक किसको मिलेंगे लोगों को मिलेंगे पूरी दुनिया में कब दिसंबर फोर्टी एट ये याद रखना adopted, ये मत जाना एक्सेप्टेड ठीक है किस सेशन में इस सेशन में दिसंबर जो दिसंबर टेन में हुआ था नाइनटीन फोर्टी एट में सो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स क्या थे एट द टाइम उस टाइम पे याद रखना फिफ्टी एट थे ठीक है फोर्टी एट ने उसको इसके फेवर में क्योंकि वहां वोटिंग होती है तो उसके फेवर में फोर्टी एट मेंबर्स ने वोट दिया और कोई अगेंस्ट में नहीं आया और आठ एबसेंट रहे दो ने वोट नहीं दिया किसके लिए किसके लिए सर किसके लिए दिया गया किसके लिए किया गया ये किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पूरे दुनिया में लोगों को हुकूक देने के लिए जो ये डॉक्यूमेंट लाया गया उस पर वोटिंग हुई तो वोटिंग 58 मेंबर्स ने किया 48 ने इसके फेवर में दिया कोई अगेंस्ट में नहीं था आठ एबसेंट थे और दो ने वोट नहीं दिया तो फाइनली क्या हो गया फाइनली इस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर किया गया कि यूनिवर्सली अब क्या है ह्यूमन राइट दिए गए यूनिवर्सली ह्यूमन राइट थी। हिस्ट्री ठीक है तो यहां ये का दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय द फिफ्टी वन मेंबर्स इन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ठीक है टू मंथ्स लेटर जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए उसके बाद दो मंथ्स दो महीनों के बाद आफ्टर द वर्ल्ड वार एंड उसके दो महीनों के बाद ही वर्ल्ड वार सेकंड एंड हो गया ठीक है ये भी ठीक है लेकिन टू वर्ल्ड वार्स जो थे जो ये दो वर्ल्ड वार्स हुए एंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड ए ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस ठीक है हैड लीड टू द फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन देखो क्या हो गया अब आया है कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्यों पढ़ा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फिर उसके बाद में आपको पढ़ा ह्यूमन राइट्स क्या होता है देखो क्या होगा दो वर्ल्ड वार हुए दोनों वर्ल्ड वार में क्या हुआ दोनों वर्ल्ड वार में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबसे ज्यादा मरे उनकी डेथ हो गई उन दो वर्ल्ड वार की वजह से पूरे दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो गई ठीक है वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो गई उन दो वर्ल्ड वार्स की वजह से न्यूक्लियर बॉम्बिंग यूज की गई जैसे हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा वो ग्लोबल रिफ्यूजीज बने ग्लोबल रिफ्यूजीज मतलब लोगों के घर नहीं रहे वो रिफ्यूजीज बन गए उनकी अपनी कंट्री नहीं रही उनका मकान नहीं रहा उनकी लैंड नहीं रही तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो फ्रंट लाइन पे आ रहे थे इन दो वर्ल्ड वार्स से इन दो वर्ल्ड वार की वजह से ये प्रॉब्लम्स किन पे आ रहे हैं सफर कौन हो रहा है सफर ह्यूमन बीइंग्स हो रहे यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का जो वैल्यू था वो जीरो के बराबर भी नहीं रहा क्योंकि हर कोई चीज जो भी इंपैक्ट न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो रही है तो इंसान ही मर रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ लोग मरे तो वहां भी कौन मरा ह्यूमन बींग्स ही सफर हो गए ह्यूमन बींग्स ही मरे वर्ल्ड वार सेकंड हो गया उसमें भी ह्यूमन बींग्स मर गए ह्यूमन बीइंग्स रिफ्यूजीज बन गए उसके साथ-साथ और एक कंसेप्ट जो जेनोसाइड पॉलिसीज हम कहते हैं हिटलर हिटलर ने जो लोगों को मारा उसकी वजह से भी कौन सफर हो गए ह्यूमन बीइंग्स सफर हो गए तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे ह्यूमन बीइंग्स का वैल्यू जो था वो गिर रहा था वो ही सफर हो रहे थे उन पे सारा इंपैक्ट आ रहा था ठीक है सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स के साथ हो रहा था एक इंसान का वैल्यू खत्म हो गया क्यों क्योंकि इन चीज़ों से ये इम्पैक्ट आ गया ये समझ में आया अब इसके लिए क्या किया गया इसके लिए यह किया गया कि दुनिया को लोगों को अगर बचाना है तो एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो पूरे दुनिया को बचाएगी वर्ल्ड वार थर्ड से और लोगों को डिस्ट्रक्शन के यानी कि लोगों पे जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उससे बचाएगा वर्ल्ड वार से बचाएगा लोगों को न्यूक्लियर बॉम्बिंग से बचाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ठीक है तो बनाया गया यूएनओ को कब बनाया गया अभी मैंने कहा 24 अक्टूबर 1945 अब यूएनओ का, का काम क्या है कि वर्ल्ड में पीस क्रिएट करना है और वर्ल्ड को क्या बचाना है वर्ल्ड वार से ठीक है जब यूएनओ बना तो यूएनओ के बाद यह डिक्लेयर किया गया अब यूएनओ तो बन गया पीस अमुन तो आ गया लेकिन अब क्या करेंगे अब हम कुछ राइट्स बनाएंगे कुछ राइट्स रखेंगे किसके ह्यूमन बींगस के क्यों क्योंकि ह्यूमन बींग एक रेस्पेक्टेबल और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके ठीक है उसके लिए क्या डिसाइड किया गया राइट्स बनाएंगे वो काम किसने किया वही हम देखेंगे ठीक है उसी लिए हम पढ़ते हैं ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यहां तक समझ आया चलिए अब नेक्स्ट में हम क्या समझेंगे वही समझेंगे हम क्या किया गया देखिए, जब यूएनओ बनाया गया तो यूएनओ का मकसद क्या था यूएनओ का मकसद यही बॉम्बिंग हो गई न्यूक्लियर बॉम्बिंग पे उसके बाद जो जेनोसाइड पॉलिसीज हिटलर ने लोगों को मारा हिटलर ने जीव को मारा यानी कि हिस्ट्री में कहा जाता है जैसे सेबू को काटते हैं उसी तरह से उसने जीव को काटा जिसे हम होलोकास्ट भी बोलते हैं तो उसकी वजह से जो उसने जिनोसाइड पॉलिसीज किए तो उसकी वजह से यह बोला गया फाउंडेड टू अवॉइड सच कि अब दोबारा से जब यूएनओ बनेगा अब ये डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि यूएनओ वर्ल्ड को बचाएगा वर्ल्ड वॉर थर्ड से अमन रहेगा इसकी वजह से लोगों को कंट्रीज को आपस में लड़ने से बचाएगा दैट इज़ आप लोग देखते हैं जब भी दोनों कंट्रीज के बीच में वार होता है तो यू को बुलाया जाता है यूएन ओ उन पर प्रेशर करते है कि ये बंद करो ठीक है तो यू इस चीज से बचाएगी एज वेल एज और उसके साथ साथ ये बोला गया एड्रेस द ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ ये बोला गया कि इंसानों के राइट्स कुछ हकूक बनाए जाए ताकि इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजार सके इस दुनिया में ठीक है समझ में आया अब ये का कैसे आया ठीक वाज ठीक है ये थी कोट इट वाज ये थी कौन वॉज इली, इनोरा इसका नाम था सर ये कौन थी ये थी वाइफ ऑफ लेटर यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट पहले थे फ्रैंकलिन डिलोना रॉसवेल्ट उनकी ये वाइफ थी ठीक है प्लेड ए क्रूशर रोल इसने एक जबरदस्त रोल किया किसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन इसने जबरदस्त रोल किया किसको बनाने में ह्यूमन राइट्स को बनाने में जो फिर यूनिवर्सली डिक्लेयर किए गए ठीक है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन अच्छा उसके बाद हुआ क्या हुआ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें फिर जो प्रेसिडेंट हैरी ट्रिमन थे इसने क्या किया इसने अपॉइंट किया को टू द यूएसए डेलीगेशन यूएसए की डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस कहाँ जाना था इनको एक डेलीगेशन भेजेगी यूनाइटेड नेशंस में कब 1944 में ठीक है शी टुक द टास्क इसी को दिया गया इसी को यह टास्क दिया गया ऑन ड्राफ्टिंग की ये बनाएगी ये पेपर पे लिखेगी ये पेपर कंप्लीट करेगी ये पेपर वर्क करेगी किस पे

फाइनली इसने क्या किया इसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बना के दिए और उसको डिक्लेयर कब किया गया जिसको हम बोलते हैं जिसको मैंने पहले ही बताया उसको डिक्लेयर किया गया दिसंबर टेन नाइनटीन फोर्टी एट फिर इन राइट को डिक्लेयर किया गया यूनिवर्सली कि ये राइट जो है ये यु, को होंगे ठीक है ये राइट आप किसको को देंगे इंसानों को देंगे ठीक है उसके बाद आपको ये याद रखना है करंट में आपको जो ईयर 2013 है उसमें सेवनटी फिफ्थ एनिवर्सिटी थी किसकी ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की और इसका थीम था फ्रीडम इक्वेलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल ये थीम था दो का ठीक है जब इस बार इसका क्या हुआ था इसकी यूनिवर्सिटी थी तो ये समझ में आया तो ये था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट तो उसके बाद हम आपको ये याद रखना द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिड नॉट एग्जिस्ट वे इट डज जो अभी हमारे पास ह्यूमन राइट्स है ये पहले ऐसे नहीं था द राइट्स ये जो राइट्स थे ये स्लोली इनकॉर्पोरेट किए गए सोसाइटी में इनको लाया गया एक ब्रिटिश जो पोलिटिकल थिंकर थे जिसका नाम था जॉन लॉक इसी ने इसका कंसेप्ट पहले दिया था किस में दिया था गेव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इसने ह्यूमन राइट का कंसेप्ट पहले दिया था कब दिया था सेवनटींथ सेंचुरी में इसकी जो बुक है ठीक है द सेकेंट्रीटीज ऑफ द गेंट ठीक है बट गेव वेरी वन सेकेंड बट बट द आइडिया गेव इंटरनेशनल सर इंटरनेशनल कब ये बना इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जब ये मूवमेंट बना इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑनली इन द सेकंड हाफ ऑफ सेंचुरी ठीक है पहले जॉन लॉक ने दिया था फिर ये वर्ल्ड लेवल पे आ गया सेकंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी उसके बाद देन नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट ठीक है ये तो अब आप, आप ये बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आया ह्यूमन राइट जो है ये जो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो गई ये यूएनओ के बाद हुई जब यूएनओ बनी तो 1945 फोटी फाइव ट्वेंटी अक्टूबर उसका मकसद था वर्ल्ड में जो वार हुए दो वार उनका जो डिस्ट्रक्शन उनका जो नुकसान इंसानों पे हुआ उनकी वजह से इंसानों का वैल्यू गिर गया और उसके बाद जो जेनोसाइड पॉलिसीज़ या न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई तो उसकी वजह से इंसानों का वैल्यू गिर गया उनका, उनको एक अच्छी वर्ल्ड में एक पीस क्रिएट करने के लिए यूएनओ बनाएगी यूएनओ के बाद ये कहा गया नहीं अब यूएनओ तो ठीक है ये अमन लेकिन अब को कुछ राइट्स रखते हैं ताकि इंडिविजुअल एक अच्छी जिंदगी गुजार सके फिर उसके लिए एलिना रॉसवेल्ट ने काम किया फिर फाइनली डिक्लेयर किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लेकिन बट द क्वेश्चन इज सर ह्यूमन राइट्स होते क्या है ह्यूमन राइट्स ठीक है ह्यूमन तो हम इंसानों को बोलते हैं राइट हम हकूक बोलते हैं इसका मतलब क्या है इंसानों के हुकूक ठीक है अब उसी को हम समझे समझते ह्यूमन राइट कंसेप्ट क्या है कैसे समझेंगे हम समझेंगे अब डेफिनेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट ठीक है देखिए नंबर वन डेफिनेशन जो है वो है ह्यूमन राइट आर लिटरली द राइट ये वो राइट होते हैं दैट वन हैज सिंपली ह्यूमन राइट दोज राइट्स होते हैं द राइट ये वो हुकूक होते हैं कौन से हुकूक दैट वन हैज ये एक इंडिविजुअल को ह्यूमन बींग को होते हैं सिंपली उसको मिलते हैं क्यों मिलते हैं बिकॉज वन इज ए ह्यूमन बींग ठीक है अगर ये पर्सन ह्यूमन बींग है तो इसको क्या मिलते हैं इसको ह्यूमन राइट दिए जाते हैं तो ह्यूमन राइट के लिए क्या जरूरी होता है एक ह्यूमन यानी जो भी इंसान है दुनिया में जो भी इंसान है पूरे वर्ल्ड में उसको क्या मिले, है? मिले है। ने है? ने है। कैसे हैं ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट पूरे दसंबर नाइनटीन फोर्टी एट किस को दिए गए जो भी इंसान है उसके लिए ये राइट है क्या क्या राइट है जो भी ये राइट है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन राइट ठीक है जैक डोलनी ने कहा था ए लीडिंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट देकेंड डिफिशियन ह्यूमन राइट बेसिक राइट बेसिक जरूरी होते हैं ये वो बेसिक राइट हैं विच एवरी वन इनहट्स ये हर किसी को मिलते हैं कैसे मिलते हैं सर क्यों मिलते हैं ठीक है इनहट्स मतलब ये आपको नेचुरली मिलते हैं जैसे ही आपकी बर्थ होगी दो बेसिक स्टैंडर्ड सॉरी द मोमेंट वन इज कंसीव्ड इन द मदर ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये आपको खुद ही मिलते हैं कब खुद मिलते हैं जब तक आपकी कंसीव होती है यानी जब एक मदर के ने एक फर्टिलाइजेशन होती है एक बच्चा बनता है उसी टाइम से ये क्या मिलते हैं ये ह्यूमन राइट्स ये हुकूक इसको मिलते हैं क्यों क्यों क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको ये राइट्स मिलते हैं ये हुकूक मिलते हैं ठीक है जो वो हुकूक मिलते हैं उन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं वो मैं सारे बताऊंगा क्या क्या राइट्स है इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं इट कुड बी सेड दैट ह्यूमन राइट्स आर दोज बेसिक स्टैंडर्ड्स ये वो बेसिक स्टैंडर्ड्स है विदाउट आउट विच इन बगैर मैन कैन नॉट लिव डिग्निटी अगर ये चीजें ये राइट एक इंडिविजुअल को नहीं मिलेंगे वो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता है ठीक है ये राइट क्या क्या है देखिए ये ह्यूमन राइट क्या क्या है राइट टू लाइफ आपको जिंदगी का जिंदगी गुजारने का हक है हर कोई इंडिजुअल दुनिया में जिंदा रह सकता है उसको ये राइट दिया गया है कैसे दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हर कोई बंदा दुनिया में जिंदा रहना चाहिए राइट टू लाइफ उसकी जिंदगी का हुकूम फूड खाना द राइट टू एंड नेसेसिटीज ठीक है मकान जो भी उसको बिल्डिंग चाहिए जो जरूरियात है उसको राइट टू हेल्थ उसका ये हकूक है कि उसका हेल्थ अच्छा, ठीक है एजुकेशन हासिल करना राइट टू डिग्निटी एंड लिबर्टी कि वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफ गुजारे दुनिया में ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, उन फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड जेनोसाइड पॉलिसीज़ बॉम्बिंग एटम बॉम्बिंग न्यूक्लियर बॉम्बिंग हेल्थ एजुकेशन ठीक है शेल्टर डिग्निटी राइट टू बी फ्री ये चीजें ये राइट ये हुकूक एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है तभी उसका क्या होगा तभी वो एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी गुजार सकता है जब ये राइट्स उसको होंगे तभी एक आदमी एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में वो एक रेस्पेक्टेबल एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है ठीक है किसकी वजह से इन ह्यूमन राइट्स की वजह से समझ में आया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे ह्यूमन राइट जो है ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल That all human human family by by the the virtue, virtue sorry, simply by the virtue of human being, natural जैसे, 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 जैसे ही उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई जैसे ही वो बनना start हो गया तो naturally उसको क्या rights मिल गए सॉरी human rights उसको मिल गए ठीक है उसको जीने की life जीने का हक है इसीलिए आप देखोगे कि अगर वाम में किसी बच्चे का किल किया जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट राइट्स बनाती है कि कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं कर सकता है अगर वो उसको पता चलता है कि ये फेल है फीमेल है या उसको मारना चाहेगा वो उसको क्यों नहीं मार सकता क्यों क्योंकि वो ये जो है उसके पास क्या है उसके पास ह्यूमन राइट्स है ठीक है फूड एजुकेशन शेल्टर हेल्थ तो इसकी वजह से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है एक इंडिविजुअल तो हमने क्या कहा ये नेचुरल राइट्स हैं ये खुद ही आ जाते हैं जैसे ही इंडिविजुअल बनेगा ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास है जो भी इंसान है पूरे दुनिया में यूनिवर्सली हम कहते हैं जो भी दुनिया इंसान है जो भी पूरे दुनिया में है उनको ये मिलते हैं क्यों क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है ठीक है वो इंसान है देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है ह्यूमन राइट्स आर हेल्ड बाय ऑल परसन इक्वली एंड यूनिवर्सली ह्यूमन राइट जो है ये सभी पर्सन को है सभी दुनिया के लोगों को इक्वली सेम और यूनिवर्सली थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सबको मिले किसने दिए यूएनओ ने दिए ठीक है फिर ह्यूमन राइट्स आर इिवोकेबल इिवोकेबल का मतलब होता है दे कैन नॉट बी कैनोट उनको आप वापस नहीं ले सकते ना ही सस्पेंड कर सकते हैं एक कंट्री इनको ना वापस ले सकते है, ना सस्पेंड कर सकते किसके लिए फॉर पोलिटिकल गेन के पोलिटिकल एडवांटेज के लिए अपने फायदे के लिए ठीक है ह्यूमन राइट आर इन एलिएबल वन नॉट लूज ह्यूमन राइट इन एलिएबल का मतलब होता है हर किसी इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के राइट नहीं जा सकते कब तक दैट एनी मोर देन वन कैन इज बींग ए ह्यूमन बींग जब तक कि उसके साथ क्या ना हो जाए उसका कोई मामला है। वो एंड उसकी लाइफ जब हो जाती है तो उसके साथ उसके ह्यूमन राइट्स भी खत्म हो जाते हैं ठीक है ह्यूमन राइटस आर इंडिजल वन कैन नॉट डी ने दाइट बिकॉज इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट आर मोर नॉन एसेंशियल यानी इनडिजल मतलब वन कैन नॉट डी ने आप राइट्स किसी को भी दुनिया में राइट्स उसके डीने नहीं कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है ठीक है ये ज़रूरी है बहुत इंडिजबल इनको आप डीने नहीं कर सकते कोई भी दुनिया की कंट्री इनको डीने नहीं कर सकती है देन ह्यूमन इंटरडिपेंडेंट ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं ठीक है जैसे हमने बोला कम्पलीमेंट्री फेवर फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इ गवर्नमेंट कि आप गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट करते थे इस डायरेक्टली अफेक्टेड बाई द राइट टू एक्सेस ये इंटर होते हैं ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन से राइट जो होते हैं जैसे लाइफ जब जिंदा रहेगा तब एजुकेशन होगी एजुकेशन होगी तो हेल्थ होगी हेल्थ होगी तो उसके पास बाकी चीज़ें होंगी तो ये इंटरडिपेंडेंट है अब ह्यूमन राइट्स क्या क्या है सर आपने तो समझाया ह्यूमन राइट्स क्या ये है ये हमने समझा यूनिवर्सली है इसकी मीनिंग ये है लेकिन ह्यूमन राइट्स है क्या कौन कौन से ये राइट्स है ठीक है ये हो गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ आर्टिकल वन उसका क्या है राइट टू इक्वेलिटी सब बराबर है ठीक है फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रमिनेशन की किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्रीड सेक्स ठीक है रिलीजन कास्ट क्रीड कलर से वो वाइट है ये ब्लैक है आर्टिकल थर्ड क्या कहता है राइट टू लाइफ हर किसी को जिंदा रहने का हक हाँ है लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी आर्टिकल फोर आर्टिकल फिफ्टीन फ्रीडम फ्राम कि किसी का टॉर्चर

तो होप कि आप सबको समझ आया होगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था इसका मकसद क्या था क्यों आया था ये किस टाइम पे आया और ह्यूमन राइट्स किसे बोलते हैं ये एसेंशनल क्यों हैं इनका ज़रूरी जुरूर, क्या है ठीक है ज़रूरी क्यों ये है तो होप सो अगर आपको लगे कि अबर इस लेक्चर वीडियो लेक्चर में ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से इसको मुझे कमेंट्स में बता दीजिए तो मैं इस पर और एक डाउट सेशन बना दूंगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर सभी का शुक्रिया हम यूनिट नंबर थर्ड आप जो हमने स्टार्ट किया है और इन वीडियो लेक्चर्स को और इन वीडियो लेक्चर्स का जो भी मटेरियल है उसको हासिल करने के लिए हर किसी वीडियो लेक्चर में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कीजिए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए वहाँ सारा पी मटेरियल मैं अवेलेबल कर देता हूँ ठीक है ओके थैंक्स थैंक्स टू तो ऑल ऑफ यू